ज्यादा ही अफसोस के वो दोनों रुसू के लिए उन्हें उठा देते आज हमें कहने का मौका मिला कि 6 साल में 600 मीटर दौड़ रहे हैं तो लिहाजा बहुत सी चीजें करनी की आप तो मालूम है कि गुलाम नबी आजाद साहब जो जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों छोड़ी वो भी आपको मालूम क्योंकि जब उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया उन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया सोनिया गांधी के साथ काम किया मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया और जब तिफलों पे बात आई कहते हैं कि तिफल शबल खानदान खान शबल वीरान लिहाजा उन्हीं से वजह से जब 370 की बारी आई आजाद साहब ने 370 चला चला के 35 से चला चला के पार्लियामेंट में 2.5 घंटे जमीन पे बैठे उसके बाद राज्यसभा में स्पीच 1.5 घंटा उन्होंने की और यही कहा हमारी पहचान हमसे नहीं छीनी जाए हमारी सूरत हमारी बदली न जाए हमारी पहचान हम हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर को बुरा न समझिए बुरा न बनाइए उसको छोटा मत करिए हमारी रियासत हमारा एक मुल्क था उसको एक समझिए रियासत और एक तहसील के बराबर बना दिया गया इसका कद ऊंचा किया गया कहाँ की कद ऊंचा करना होता है जब सरकारें आती हैं मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है पर मुबारक है गुलाम नबी आजाद साहब को जिसने पार्लियामेंट में स्पीच में आंखों से आंखें मिला के उसे स्पीच की पीछे वहाँ दो MP बैठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजमल लोन और दूसरा मसूदी साहब उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया आजाद साहब की सपोर्ट तक नहीं की खामोश बैठते रहे और आज उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ साबित हो गया कि वो फेल हो गए साबित हो गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के और खास करके PDP वालों ने भी कुछ नहीं किया क्या किसी ने क्या हुआ वहाँ 370 और 35 के खिलाफ किसी ने बोला नहीं कोई बात नहीं वहाँ उठी जब वो ये उसको उड़ा रहे थे खत्म कर रहे थे ज्यादा बड़े अफसोस की बात है आज वो बड़े बड़े दावे के थे आज बड़ी बड़ी बातें कहते हैं तो इसके साथ साथ आजाद साहब यहाँ आए उन्हें कहा मैं इंशाल्लाह यहाँ यहाँ आके यहाँ के लोगों की खिदमत करूँगा उम्र मैंने वहाँ दी आज थोड़ा अरसा यहाँ भी देंगे अपने लोगों को इस रियासत को इस दलदल में से निकालूंगा और ये आपको समझ होनी चाहिए अगर इस दलदल में रियासत को इनको को कोई निकालेगा वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत है और कोई नहीं हो सकता है आपने बाकी को देखा कोटा किसने लाया PSA किसने लाया मुश्किल किसके दौर में हुई राशन किसके दौर में कम हुआ और आज हमारी जमीनें भी छीन ली गई आपका खालसा सरकार छीना गया आपकी रोशनी जो 100 रुपये कनाल गुलाम नबी आजाद साहब ने आपको दिया था वो भी आपसे छीना गया आपके मकानों के लिए डोजर दिल्ली से आ गए ये गुलाम नबी आजाद साहब है जिसने 85 जगह प्रोटेस्ट करवाया अपनी पार्टी से और आपकी जमीनें बचाई बचाएगी नहीं बचाएगी और इसको कहते हैं गुलाम नबी आजाद ये बड़ी आफत थी बड़ा मुश्किल था आपकी जमीनें छीनी गई थी मुश्किल की नहीं सब हाथ खड़े करो कि मुश्किल